अस्सलामुअलैकुम, मैं हूँ रक्षा मलिक और आप देख रहे हैं वॉइस ऑफ नेशन। मैं मौजूद हूँ आज नॉर्थ नाजमाबाद के सबसे नए मशहूर और नए रेस्टोरेंट मिस्टर लाइट रेस्टोरेंट पे, जहाँ पर मैं आपको बताऊँगी कि इस वीडियो में किस तरीके से जो ताज़ा मछलियाँ होती हैं, जो कि ऑलरेडी इनके पानी के अंदर इन्होंने एक तकरीबन प्रॉपर एक सेटअप बनाया हुआ, जहाँ पर ये टैंक्स के अंदर पानी के अंदर मौजूद होती हैं और उनसे ये ताज़ा फ्रेश निकाल कर मछलियों को जो है वो डीप फ्राई करते हैं, जिसको ग्रिल करवानी होती है वो ग्रिल करते हैं। इस तरीके से यहाँ पर ये पेश होती हैं, क्योंकि इस रेस्टोरेंट की खास बात यही है कि यहाँ पर आपको लाइव सी फूड मिलेगा, लाइव चिकन मिलेगा, लाइव मटर मिलेगा। तो इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगी कि किस तरह से ये लोग रखते हैं फ़िश वगैरह को पानी के अंदर, और किस तरह से ये लोग वहाँ से फ़िश को निकालते हैं और फ्राई करते हैं। तो इस वीडियो में आपको प्रॉपर फूड रिव्यू देंगे, चलिए आपको बताते हैं। अब जैसा कि आपको पता है कि मैं यहाँ पर मिस्टर लाइव रेस्टोरेंट में यहाँ मौजूद हूँ, और अब आप यहाँ से अंदाज़ा लगा सकते हैं, पूरा एक प्रॉपर एक सिंधी टचअप दिया हुआ है। यहाँ पर एक बैठक टाइप जैसा तख्ता, आप आई थिंक आप बोलते हैं अगर आप किसी चाय दीवारी या साइड पर जाएँ तो वहाँ पर होता है। उसके साथ साथ सिर्फ यहाँ पे तख्ता ही नहीं है, बल्कि यहाँ पर थोड़ा सा वेस्टर्न टाइप यहाँ पे टेबल्स वगैरह भी हैं, चेयर वगैरह भी हैं। मतलब आपके ऊपर है कि आप यहाँ पे दोनों चीज़ें इंजॉय कर सकते हैं। यहाँ पर आप बैठ भी सकते हैं, उसके अलावा यहाँ पर आराम से मज़े से, जैसे कि आप देख सकते हैं मुझे कि मैं यहाँ पर बड़े आराम से बैठी हुई हूँ, इस तरह से भी आप इन्जॉय कर सकते हैं। तो मैं तो इसी तरीके से इन्जॉय करूँगी, लेकिन इससे पहले मैं आपको ये तो बता दूँ कि यहाँ पे फ़िश तैयार कैसे होती हैं और किस तरीके से रेडी की जाती हैं। तो चलिए इस वीडियो में आपको बताते हैं कि हम चेक करते हैं कि कौन कौन सी फिशेज जो पानी से निकल के ताज़ा होकर फ्राई होती हैं, तो आपको बताते हैं। तो मैं मौजूद हूँ मिस्टर लाइफ रेस्टोरेंट पे, और मैं अब आपकी मुलाकात करवाऊँगी इम्तियाज़ साहब से, जो यहाँ के ऑनर हैं, और उनसे जानते हैं कि वो किस तरीके से इस फिश वगैरह को जो तैयार करते हैं, और जिस तरीके से इन्होंने ये रेस्टोरेंट बनाया हुआ मिस्टर लाइफ रेस्टोरेंट जो है, क्या पीछे इनकी कहानी है, क्या सोच के इन्होंने बनाया, और इनसे अभी हम पूछते हैं और सारी डिटेल्स वगैरह हम इस वीडियो में आपको बताएँगे। तो आइए जानते हैं। अस्सलाम वालेकुम। जनाब, सबसे पहले तो मुझे बताएं कि ये जो मिस्टर लाइफ रेस्टोरेंट है, ये क्या सोचकर आपने जो है यहाँ पर बनाया है, और क्या थिंकिंग है आपकी? आपको जिस तरह आप नाम है रेस्टोरेंट का मिस्टर लाइव, तो ये हमने जो थीम रखी है ये जिंदा चीज़ों के ऊपर रखी है जी, कि इसमें जिंदा मुर्गियाँ होती हैं, जिंदा मछलियाँ होती हैं, जिंदा बटेर होते हैं, और जो जो चीज़ें जिंदा नहीं होती हैं वो भी बिल्कुल फ्रेश होती हैं डेली की, मतलब पुरानी चीज़ें हमारे फ्रिज में कुछ भी नहीं होता। तो ये थीम हमने रखी है जिंदा के ऊपर। आप ये आप देखें, ये जिंदा मछलियाँ हैं यहाँ पे जी। इसमें हमारे पास मुख्तलिफ मछलियाँ होती हैं, दैया होती है, गिस्सर होता है, डांगरी होती है, दंदिया होती है, काला मुश्का होता है, क्रैब लाइव होता है, लॉबस्टर लाइव मिल जाएगा हमारे पास। अच्छा, तो हर चीज़ मतलब अपने हाथ से निकलवाएं, अपने सामने कटवाएं, अपने सामने पकवाएं और अपने सामने खाएं। अच्छा, ये बताइए आपने कौन कौन सी कैटेगरीज की फ़िश वगैरह रखते हैं यहाँ पर? इसमें मैंने आपको बताया ना, जिस तरह ग्रुपर होती है हमारे पास गिस्सर, वो लाइव मिल जाती है, डांगरी लाइव मिल जाती है, दाठी लाइव मिल जाती है, और दंदिया लाइव मिल जाती है, क्रैब, लॉबस्टर, ये सब लाइव मिल जाता है। तो अब मैं इस वीडियो में आपको बताऊंगी किस तरीके से तैयार होती है, और हम आपको बताएंगे कि हम इस बार फिश फ्राई करेंगे या ग्रिल करेंगे, ये सारी चीज़ें हम आपको इस वीडियो में देंगे। तो अब चलते हैं, हम आपको दिखाते हैं किटका किचन। तो जनाब, अब मैं आपको दिखा रही हूँ इस वीडियो में कि किस तरह से यहाँ पे फ़िश के लोग निकालते हैं। तो आपको ये पूरा जो एक प्रॉपर जो इनका वे है किस तरह से निकलती है, वो अभी आप देखिए इस वीडियो में, आपको भी दिखाते हैं। ओ अच्छा, तो आपकी डेली बेसिस पे निकालते हैं? जी, डेली की होती है। अच्छा, तो और ये जैसे कि फॉर एग्जांपल अभी आप ये निकाली है, तो ये ज़्यादा बाहर नहीं निकल आती बिल्कुल? नहीं नहीं, हम इसको ढक के जाते हैं वैसे ये। अच्छा, निकल जाती हैं बाहर, हम इसको ढक के जाते हैं। ये अभी मैं देख रही थी काफ़ी फ्लो में ये बाहर आ रही थी। सही, बहुत जंपिंग करती है। किचन में मौजूद हूँ जहाँ पर ये चीज़ें वगैरह, मसाले वगैरह जहाँ पे लगाए जाते हैं, और मेरे साथ जो हैं वो मुनीर हुसैन साहब यहाँ पर हैं, जो इनका काफ़ी माशाल्लाह काफ़ी देख सकते हैं कि इनका बड़ा एक्सपीरियंस है और काफ़ी टाइम से यहाँ पर मसाला वगैरह लगा रहे हैं। तो आप इनसे जानते हैं कि इनको कितना टाइम हो गया है? अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कि इस पर आप ये नमक लगा रहे हैं? जी हाँ, नमक लगा रहा हूँ। सही, क्योंकि ताज़ी मच्छी है ना जी, नमक लगाना लाजमी है, नहीं तो फीके फीके लगेंगे ये। अच्छा, तो ये मसाला कौन सा, ये मसाला आप खुद बनाते हैं? जी हाँ। अच्छा, तो मसाले में कौन कौन सी चीज़ें आप यूज़ करते हैं? मसाले में हल्दी, मिर्ची है,
अदरक लहसुन। अच्छा, ये तो एक बड़ी मछली थी, और ये आप जब भी छोटी मछली जो ये लगा रहे हैं, इस मछली का नाम क्या है? ये मछली का नाम है गिस्सर। तो जनाब, आप देख सकते हैं कि किस तरीके से मसाले लगा रहे हैं, इनका काफ़ी माशाल्लाह बहुत अच्छा एक्सपीरियंस है। और इसके साथ साथ ये तो मसाला लग रही है, लेकिन इसको किस तरीके से डीप फ्राई करना है या ग्रिल करना है, ये चीज़ें भी हम आपको दिखाएंगे इस वीडियो में। ये झींगों को भी इसी तरह मसाला लगाया जाएगा। तो ये डीप फ्राई होगी या ग्रिल होगी? ये ग्रिल होगी। अच्छा, अच्छा, इसके साथ साथ मैंने सुना कि यहाँ पे मटन, चिकन, ये सारी चीजें, वो प्रॉपर जो कढ़ाई वगैरह होती है वो कौन बनाता है? वो भी आप बनाते हैं? नहीं, वो बाहर बनती है। अब मैं यहाँ पर हूँ रेस्टोरेंट के बिल्कुल बैक साइड पर, जहाँ पर चपाती बनती है। अब जैसे कि आपको पता है कि सी फूड होता है फिश, अब फिश खाएं और फिश के साथ साथ रोटी ना खाएं तो ऐसा हो नहीं सकता। तो आइए इनसे पूछते हैं, इनका नाम है काशिफ, और काशिफ से जानते हैं कितनी रोटियाँ बनाते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। जनाब, कितना टाइम हो गया आपको? मेरे को 3 महीने हो गए। 3 महीने हो गए हैं। तो आप जो इतनी सारी रोटियां बनाते हैं, आप अपना बताएं कि आप भी रोटी के साथ फिश खाते हैं? जो रोटी के साथ भी फिश खाते हैं, चपाती के साथ और कढ़ाई के साथ भी, ज़्यादातर ये फिश कढ़ाई भी बनते हैं, उसके साथ भी झींगा कढ़ाई हो गया, ऐसे और आइटम हो गया टिक्का वगैरह, और मलाई बूटी, चिकन बूटी, उसके साथ भी ये चल जाते हैं। मतलब सही ये इनके साथ साथ। जनाब, मैं उस तरफ आपको दिखाती हूँ कि यहाँ पर ये इस तरीके से इस झींगे को इस साइड पे डाल रहे हैं। ये आप क्या कर रहे हैं? ये ग्रिल कर रहा हूँ झींगा। ये झींगा ग्रिल हो रहे हैं अभी, ये 4-5 मिनट में तैयार हो जाएगा। ये कस्टमर डाल रहे हैं। अच्छा, तो ये झींगा, हाँ झींगा ग्रिल कर रहे हैं आप, तो इसको डीप फ्राई भी करते हैं? डीप फ्राई वाला अलग होते हैं, ये टाइगर झींगा ये ग्रिल हो जाते हैं खाली, बाकी फ्राई वाला अलग होती है वो। अच्छा, तो ये जगह सिर्फ जो है वो करने वाली है, सही होगी। एक तरफ मैंने आपको दिखाई यहाँ पर चपाती बन रही है, और एक तरफ झींगा जो है वो ग्रिल हो रहा है और फ्राई भी हो रहे हैं। तो इसके साथ साथ अब आपको बता दूं कि जैसे कि मैंने आपको बताया था, यहाँ पे सिर्फ लाइव सी फूड नहीं है, लाइव मटन भी है, लाइव चिकन भी है। तो अभी ये लाइव चिकन और मटन बना रहे हैं, तो आइए इनसे जानते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। जनाब, क्या बना रहे हैं आप? मैं देसी मुर्गी की कढ़ाई बना रहा हूँ। अच्छा, देसी मुर्गी की कढ़ाई बना रहे हैं, तो यहाँ पे मतलब फार्मिंग मुर्गी नहीं चलेगी? फार्मिंग भी चलती है, लेकिन ज्यादा लोग जो है ना ये देसी मुर्गी पसंद करते हैं, इसलिए कोयला कढ़ाई में देसी मुर्गी। अच्छा, अभी मेरे साथ जो है वो नुमान यहाँ पे मौजूद है, और नुमान जो यहाँ पे फ्राई आइटम्स वगैरह कर रहे होते हैं, यही फिश को ही फ्राई करने के लिए सब चीजें बना लेते हैं। ओके, इसमें फास्ट फूड वगैरह जो आइटम होते हैं वो। तो ये कौन सी फिश जो है फ्राई कर रहे हो? ये है गिस्सर। अच्छा जी, तो तुम्हें भी पता चल जाती है सारी कैटेगरीज, कौन कौन सी फिश है, क्या नहीं है, उनके साइज और सारी चीजें? हाँ, वो तो पता लग गया, वो तो देख के पता लग जाता है हर चीज। अच्छा, ये किस टाइप की है? सही, ज्यादातर लाइव रेस्टोरेंट में ज्यादा कौन सी फिश की डिमांड होती है फ्राई करने में? वो गिस्सर की होती है। गिस्सर की होती है हमारे पास, गिस्सर की होती है, और जो बाहर जो लाइव है ना हमारे पास, उसकी डिमांड होती है ज्यादा। इंतजार हुआ ख़त्म, और मेरे सामने है फिश। अब आप ये देख सकते हैं कि मैंने इसको डीप फ्राई नहीं करवाया, मैंने इसको करवाया है ग्रिल, क्योंकि ग्रिल फिश करने का मज़ा ही कुछ और है, और ये है भी सबसे मज़े की फिश है, और उससे बड़ी बात ये है ताज़ी। और इसके साथ साथ मैं ट्राई करूँगी रोटी, और अब इस वीडियो में मैं आपको देने वाली हूँ प्रॉपर फूड रिव्यू, क्योंकि यही मेरा काम है। और आपको पता है रक्षी मलिक जहाँ आए वहाँ खाना ना खाए ऐसा हो नहीं सकता। तो मैं ले रही हूँ अपनी फर्स्ट बाइट, और मुझे अभी से मुंह में पानी आ रहा है, तो हम यहाँ से लेते हैं। अच्छा, इसमें ना इस फिश की सबसे ख़ास बात यह है कि ये मुझे भी बता रहे थे कि यहाँ पर इसके बीच में कांटे होते हैं, ओवरऑल सारी जगह पे कांटे नहीं होते। ये काफ़ी सॉफ्ट भी लग रही है और फ्रेश तो है, क्योंकि ये बिल्कुल ताज़े जो है, बिल्कुल फ्रेश निकली है, ताज़े पानी से निकली हुई ताज़ी फिश है। तो मैं इसे ट्राई करती हूँ। बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। वाओ, आप चेक कर सकते हैं इतनी सॉफ्ट है ये। इसकी स्मेल भी नहीं आ रही, तो इसको मैं रोटी के साथ ट्राई कर रही हूँ। आई थिंक, हाँ नहीं, तो इसको हम ट्राई करेंगे ग्रीन चटनी के साथ। वाह, मज़ा आ गया। अब मैं
सिर्फ एक बाइट तो लेने नहीं वाली, मैं दूसरी बाइट भी लूँगी और दूसरी बाइट में लूँगी दूसरी चटनी के साथ। आई थिंक ये कोई जैसे वो जो होती है लाल मिर्चों वाली चटनी टाइप कुछ है, तो उसके साथ भी इसको ट्राई करेंगे और लाजमी ट्राई करेंगे। इन दोनों चटनी में बहुत फ़र्क है। ये होगी बिल्कुल आम जैसे नॉर्मल घर में बनती है और ये है थोड़ी सी खट्टी। इसकी ख़ास बात ये है कि ये थोड़ी सी मुझे लेमन टाइप लगी है कि इसमें लेमन भी ऐड हुआ हुआ है और इसमें लाल मिर्च वगैरह और प्रॉपर है। मतलब एक तो फिश आपको ग्रिल मिल रही है, उसके साथ साथ दो सॉस आपको बड़ी ज़बरदस्त किस्म की मिल रही हैं और रोटी के साथ ही बहुत अच्छी लग रही है, और अगर आप सिंगल ट्राई करेंगे तब भी बहुत अच्छी लग रहेगी। वाकई में मिस्टर लाइफ रेस्टोरेंट की ये चीज़ सबसे यूनिक और डिसेंट है और मुझे बहुत अच्छा लगा। इसे तो मैं ख़त्म करूँगी, लेकिन अगर आप जब भी आएँ यहाँ पर तो ज़रूर आके ट्राई कीजिएगा, ये बहुत मज़े की। मुझे बहुत अच्छा लगा, इनका सेटअप, इनके बनाने का तरीका बहुत अच्छा है और इनकी जो खासियत है वो है लाइव फ़िश को बिल्कुल फ्रेश निकाल कर फ्राई करना और ग्रिल करना, व्हाटएवर, जैसे मैं आज इन्जॉय कर रही हूँ। इसके साथ साथ हमारी वीडियो को लाइक कीजिएगा, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और कमेंट सेक्शन में आप बता सकते हैं। और जब भी आप नाजमाबाद या नौ नाजमाबाद में आएँ तो इस रेस्टोरेंट को ज़रूर ट्राई कीजिएगा। अब मुझे दीजिए इजाज़त, अब मैं मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो पर, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़। वॉइस ऑफ नेशन की वीडियोस देखने के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब कीजिए और बेल के आइकॉन पर क्लिक कीजिए ताकि आप हमारी तमाम आने वाली वीडियोस से बाखबर रह सकें।